देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर, जिसमें नाना पटोले कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी इनके विकासात्मक कार्यों का एजेंडा और नाना पटोले का दल बदल कितना लोकसभा चुनाव में टिक पाएगा, आइए देखते हैं। नागपुर से हमारे चाय की चौपाल एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम नागपुर में आज हमारी चाय की चौपाल नागपुर से शुरुआत कर रही है। ये महल का एरिया है, बहुत जाना माना एरिया है। महल के एरिया में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हमें इनकी प्रतिक्रियाएँ देंगे, ये क्या चाहते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है अभी, तो इसमें आप क्या अपेक्षाएँ रखते हैं उम्मीदवारों से? जैसे यहाँ से नानाभाऊ पटोले हैं और दूसरे गडकरी खड़े हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम तो गडकरी जी के साथ में हैं, क्योंकि गडकरी जी का काम यहाँ पे दिखता है। हम लोग जहाँ भी हम महाराष्ट्र में जाते हैं, नागपुर राज्य एक बेस बन गया है, जो विकास के मुद्दे पे जब भी आते हैं तो नागपुर सबसे पहले बताया जाता है कि नागपुर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बदौलत उसके पीछे सिर्फ गडकरी जी का हाथ है। तो हम फिर से हर बार की तरह गडकरी के साथ हैं। और क्या चाहते हैं, और कुछ आपकी मांगे हैं? मांगे कुछ नहीं, जो अभी मेट्रो का काम चल रहा है उससे हम पूरे नागपुरवासी खुश है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो का काम पूरा होके हमें उसकी सवारी करने मिले। मेट्रो का काम तो बहुत ही सुंदर तरीके से हुए वाला है जी, पर आगे चल के यहाँ पे जो बेरोजगारी का जो प्रश्न है जी, वो सबसे बहुत बड़ा ज्यादा प्रमाण पे दिखता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार इसे सॉर्ट आउट कर पाएगी? हाँ, आपको पूरी उम्मीद है कर पाएगी जी, पर अभी तक के पूरी नहीं हो पाई है। आप बुजुर्ग हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने ये सीमेंट रोड वगैरह बनाया है, ये आने वाले 100 साल के लिए मेट्रो काम है। ये आज लोगों को पसंद आ रहा नहीं आ रहा वो बात अलग है, हाँ। पर आने वाले 100 साल के लिए नहीं। पसंद नहीं आने के पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं? लोगों को लगता है बुजुर्ग का इतना खर्चा कर दिया, ये कर दिया, किसी को लगता है, मगर आने वाले 100 साल के लिए इन्होंने अपना नींव रख दी। यानी अगर इनको और 5 साल मिल गए, 4 साल मिल गए, तो ये कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच सर। चाय की चौपाल में महल के इस एरिया को हम यहीं पे विराम चिन्ह लगाते हुए आगे की ओर रुख करेंगे। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अच्छा है ना, कैसा चाहते हैं? कौन जीतना चाहिए? बीजेपी जीतना चाहिए। यहाँ पे जो मोदी जी आने चाहिए, सीधे सीधे गडकरी साहब को आप जिताना चाहते हैं। कैसा था उनका यहाँ पे विकास? अच्छा है, अच्छा विकास है। नागपुर बहुत बढ़िया है, नागपुर बहुत बढ़िया है। आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? आप शॉप लगाते हैं? नहीं नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है? और कैसे चल रहा है, यानी क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? वोटिंग करेंगे? नहीं, मेरे पास वोटिंग कार्ड नहीं है। वोटिंग कार्ड नहीं है तो आपने क्यों नहीं बनवाया? नाम दिया हुआ है, यानी इस बार वोट करेंगे, है ना? तो आप किसको देना चाहेंगे वोट? यानी जो विकास करेगा, जो विकास करेगा उसे देंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच। किसको जिताएंगे? यानी जो विकास करेगा उसे जिताएंगे, थैंक यू सो मच। लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? आपने कांग्रेस का शासन देखा होगा, बीजेपी का भी देखा, तो आपका क्या है उस पे मत? अभी यहाँ से नाना पटोले खड़े हैं और गडकरी सर खड़े हुए हैं, तो आप क्या देखते हैं? यानी परचम जो है वो बीजेपी का लहराएगा? हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। लोकसभा चुनाव में आप किसका पक्ष लेना चाहते हैं? क्योंकि जो विकास हो रहा है नागपुर में, उसके मद्देनजर आपको ऑटो चलाने वगैरह में तकलीफ हुई होगी, तो आप क्या सोचते हैं? ऑटो चलाने में तकलीफ है, चालन ले देते हैं, तो लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं, या फिर परेशानी की तरह देखते हैं? परेशानी हो रही है, विकास भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार जीते? पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये
बीजेपी के साथ चल रही है। जो सरकार अच्छी हुई है, जो सरकार अच्छी आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? आपके हिसाब के हिसाब से तो मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं, यानी विकास भी चाहिए और मोदी जी चाहिए, दोनों। अब सभी जनता उन्हीं की परेशान है, मैं अकेला क्या करूं जी। धन्यवाद। वोट देते लोकसभा का चुनाव है अभी, इसमें गडकरी और नाना पटोले खड़े हैं, तो आप क्या चाहते हैं? किसको देंगे? वही तो पूछ रहे हैं हमारा सवाल। किसको बता रही हो? किसको बता रही हो आप? किसको देंगे वोट? बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? बीजेपी और सरकार, वो मैं रहता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कौन सी क्या चाहिए? सिर्फ वोट देंगे। धन्यवाद। तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा जो बहुत अरसे से चल रहा है, उसके बाद अभी आपने बीजेपी का 4 साल का कार्यकाल देखा, तो आपको दोनों कार्यकाल में क्या फर्क दिखा और किस चीज में आना चाहिए? कांग्रेस के कार्यकाल में जो नेता होते थे वो एसी में बैठ करके अपने जबान घुमाते अपने वोटों पे जी, कि वोट लाल दिखे जी। और 5 साल में बीजेपी ने रोड नहीं दिखाया कि रोड कैसा होता है, विकास कैसा होता है जी। सरकार किसको बताई जाती है? सरकार का मंत्री पद किसको बताया जाता है जी? एक आम आदमी को कांग्रेस के दौर में सिर्फ दरवाजे में खड़े रहना पड़ा जी। जब तक उन्होंने कपड़े स्टार्च के पहन के बाहर नहीं आए साहब, तब तक कुछ नहीं हुआ जी। बाकी आज आम आदमी बीजेपी किसी भी करवा सकता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ अपने आप को बता रहे थे। कांग्रेस बदनाम नहीं है, कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं जी, इन्होंने कांग्रेस की मट्टी पलट कर दी जी। पर ये तो घराने से चलते आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उठा के देखो जी, बताइए आप। मुत्तमार जी के पहले भी और सांसद रहे जी, सांसद रहे ऐसी बात नहीं, उन्होंने काम किया जी। याकूब उमर थे और भी लोग थे जो सांसद बने, मगर सवाल कैसा होता है हमारे मुत्तमार जी को मिलने के लिए, यह छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, हकर्स का जनरल सेक्रेटरी जी, अगर मेरे हकर्स को कभी उठा दिए और हम गए तो उसके लिए घंटों प्रयत्न करना पड़ता था जी। साहब अभी नहा रहे हैं, साहब एक घंटे के बाद आएंगे, यानी साहब का वक्त कीमती है। सवाल कैसा नहीं, ये गरीब, हाँ गरीब अभी कैसा सबको याद आ रहा है, हकर्स कहाँ है, रिक्शे वाला कहाँ है, ऑटो वाला है, और ये सब इलेक्शन हो जाएगा, कोई किसी को नहीं आएगा। गरीब ही सब कुछ लिए, लड़ने के लिए भी, मरने के लिए भी, इलेक्शन के लिए भी और राजनीति के लिए भी जी। गरीब को अगर सरकार बनाना है तो वो आदमी देखो जो उनके दुख दर्द में काम आ सके, विकास कर सके, काम आ सके, काम आ सके, जो जरूरतें समझे। हमने 60 साल के बाद में आज नागपुर शहर में विकास देखा जी, इसको कोई तो आप इस विकास से खुश नहीं? खुश है ना, खुश है कम से कम नहीं तो हमारी जनरेशन जो आएगी जी, अगर आज हम सड़कें बनी और सड़कें तकलीफ दे रही है एक्सेप्ट करें, मगर हमारी 10 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो देखेंगे कि हमने क्या दिया, क्या दिया जी जी जी। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको अगर जख्म सुधारना है तो जख्म को मरम्मत तो करना पड़ेगा, तो आपका वोट किसको? नहीं, वो बात वो मेरा पर्सनल। ओके, थैंक यू। पहले तो धन्यवाद देता हूँ सभी को, भारतवासियों को, और भारत माता की जय। और सबसे पहले यही बात करना चाहता हूँ कि राजनीति सबसे बुरी चीज है जी। और जो अपने मर्जी से और सही स्वमर्जी से और सत्ता के सबके लिए भले के लिए जो देना चाहिए वो देना चाहिए उसको, और जो अच्छा करेगा वो आएगा, वो पाएगा बस। और सभी जनता जो है ना भूली है, भूली जनता के लिए सबसे अच्छा काम करना चाहिए, बस रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, और जो गरीबी है गरीब तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो भाई बंधु है तकलीफ में है, आपको क्या लगता है बुजुर्ग लोग? नितिन गडकरी ये भारत की जनता है, भारत की जनता ने अपने मर्जी से खुले आंखों से सब कुछ देखना चाहिए, अपने मर्जी अपने बस यही बोलना चाहिए जी। थैंक यू सो मच। हाँ सर, किस तरह देखते हैं लोकसभा चुनाव को? नहीं अच्छा है सर, नहीं तो जो उम्मीदवार है लोकसभा चुनाव, गडकरी साहब अच्छे हैं, गडकरी साहब अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत विकास कार्य भी किए हैं, इतने बड़े बड़े रोड इतने ये बने हैं, जो साढ़े चार सालों में जो इतना विकास कार्य हुआ है बीजेपी के, तो उन्हें एक और मौका, एक मौका और देना चाहिए। यहाँ के लिए तो गडकरी जी को आना चाहिए, यहाँ के लिए गडकरी जी बहुत अच्छा काम किया है। वो वैसे मैं जो विधानसभा से हूँ, लोकसभा से, वो तो कन्हैया को वोट बनता हूँ, ठीक है, बेगूसराय लोकसभा सीट से हूँ, तो मैं कन्हैया के लिए इसके आगे अगली जगह को तय करेंगे और खबर देंगे।
देखने के लिए धन्यवाद। में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर शीतला माता मंदिर चौक पर है, ये मांडे प्लॉट का शीतला माता मंदिर है। यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर हम लोग एकत्रित हुए, हमारी चौपाल आज चाय यहाँ पे जमी हुई है और यहाँ पे हमारे साथ बीआरएसपी के कुछ प्रवक्ता नेतागण हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी पार्टी से उम्मीदवार माने सर, एडवोकेट माने सर, सुरेश माने सर इनकी तरफ से उम्मीदवार हैं और हम इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं। हाँ सर, आप लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जी हमारे बीआरएसपी के जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने साहब जो नागपुर लोकसभा से कंटेस्ट कर रहे हैं जी। और बड़े खुशी की बात है कि 13 विदर्भवादी संगठन हमारे साथ में है जिसमें खासतौर पे आप है, विदर्भ माजा है या फिर लोक जागर है, जन स्वराज्य पार्टी है। तो ऐसे 13 संगठनों ने माने साहब को अपना कॉमन उम्मीदवार चुना है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो पृथक विदर्भ है। अलग विदर्भ के मांग पे पूरे ये 13 संगठन एक साथ आए हैं। अब ये मांग जो है वो काफी पुरानी है। आपको ऐसा लगता है कि अलग विदर्भ की मांग करने पर यहाँ का और ज्यादा विकास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी जैसे हम आमतौर पे कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, अगर छोटा परिवार सुखी परिवार है तो छोटा राज्य सुखी राज्य होना ही है। चाहे फिर तेलंगाना अलग बना है या छत्तीसगढ़ बना है, आप उनका प्रोग्रेस रेशियो अगर देखेंगे तो काफी बेहतर है। तो फिर से जब हमारा विदर्भ सपोज अभी अलग तो नहीं है बट अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे स्थायी रूप से बस चुके हैं उन लोगों के लिए क्या स्कोप रहेगा? उन्हीं के हक के लिए हम बात कर रहे हैं। मान के चलो कि भी हमारे जो अभी कंटेस्ट करने वाले बीजेपी के जो कद्दावर नेता है गडकरी जी, इन्होंने लिखित रूप से विदर्भवादी लोगों को लिख के दिया था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद में हम अलग विदर्भ देंगे, केंद्र में हमारी सत्ता आने दीजिए, केंद्र में आए, राज्य में आए, गली चौराहे पे आए, लेकिन उनकी मंशा जो है वो प्रामाणिक नहीं। अभी जब हम और हमारे कुछ कार्यकर्ता को सवाल करने गए तो उन्होंने कहा कि भी ये विदर्भ के मांग करने वाले लोगों को पीट के निकालो। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा था कि अगर विदर्भ जब तक नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से उनकी शादी भी होगी और एक खुशी परिवार भी है उनके साथ में, बच्चे भी हैं। तो ऐसे झूठे अगर वादे करने वाली ये सरकार है, पिछला जो सरकार था कांग्रेस का उन्होंने भी कोई विदर्भ के साथ में न्याय नहीं किया जी। तो आप ये चाहते हैं कि एक नई पार्टी को बिल्कुल उम्मीदवारी मिले और अगर इस देश ने इस संविधान ने बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में 5 साल के बाद में हर आदमी को अपना उम्मीदवार चुनने की पूरी आजादी है। तो अगर 5 साल के बाद में आपने अगर कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस की राजनीति देखी है, बीजेपी की देखी है, तो मुझे लगता है कि जो विदर्भवादी संगठन है या जो थर्ड फ्रंट है जिसमें आम आदमी पार्टी है या जो कॉमन जनता है उनको मौका देना ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे लोगों को सुरेश माने साहब पूरे भारत वर्ष में संविधान तज्ञ करके माने जाते हैं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं तो विदेश में भी उनका नाम है, तो आदमी भी ताकतवर होना चाहिए जाके वहाँ पे लोकसभा में जाके लीडर होके अपनी बात रख सके। और आप देखिए जब भी मजबूर सरकार आई तभी सामान्य लोगों को न्याय मिला जी। और एक सवाल सर कि नागपुर के विकास को आप किस तरह देखते हैं? मुझे एक बात बताइए कि अगर सीमेंट रोड और मेट्रो ही अगर नागपुर का विकास है तो वो झूठा विकास है। आप देखिए कि ये बाजू में कॉर्पोरेशन की स्कूल है वो उसकी हालत देखने बनती है। ये अगर हमारा विकास है, आपने स्कूलें तोड़वा दी, 450 स्कूल में से 400 स्कूलें कॉर्पोरेशन की और जिला परिषद की बंद कर दी, क्या ये विकास है? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? स्वास्थ्य का मसला है, रोजगार का मसला है या अच्छे नागरिक होने की जो बातें हैं, अच्छी सुविधा जो है यहाँ नहीं के बराबर है। और सीमेंट के रोड बनाने में किन लोगों को फायदा हुआ है ये जो बनाने वाले हैं वो जाने जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? लोकसभा चुनाव को हम इस तरह से देखते हैं, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, और हमारी जो पार्टी है ये आम आदमी की परेशानियों का आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, एनसी की से बनी हुई पार्टी है।
अब हम पिछले 70 साल से यदि हमारे देश के आम आदमी के परेशानियों को अगर हम देखते हैं तो शायद 60 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने राज करने के बाद हम अक्सर ये देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का दर्जा एकदम खराब है जी, स्वास्थ्य सुविधाएं ये चरमरा रही हैं जी, उसके बाद में लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो क्या घरकुल को आप क्या कहेंगे? हाँ, आपने बुनियादी सुविधा की बात की इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर को योजना को और जो योजनाएं चलाई जा रही कौशल भारत की जो योजनाएं चलाई जा रही है उस पे आपका क्या मत है? मैं वही ये बोल रहा हूँ कि पिछले 70 वर्षों में ये संविधान जब से बना तब से ये घर कुल योजना के बारे में सभी ने आश्वासन मोदी सरकार में वो पूरा हुए। हाँ, मोदी सरकार के इसमें कितने लोगों को घरकुल की सुविधा, हमारा देश ये 130 करोड़ का देश है जी, और यदि हम देखने जाएं तो ये घरकुल योजना के अंतर्गत क्या सभी लोगों को, सभी मध्यम वर्गियों को, सभी गरीब परिवार के लोगों को, इवन नागपुर में आज 428 स्लम्स हैं, वो 428 स्लम्स का नजारा जाके देखिए उनको क्या लाभ मिल रहा है घरकुल की योजना। तो आपको ऐसा लगता है कि 30 साल की सरकार जो नहीं कर पाई वो 4.5 साल में मोदी सरकार का करना पॉसिबल था? मैं वही बोल रहा हूँ कि 60 वर्ष तो कांग्रेस ने देश को लूटा है जी, परंतु 12 वर्ष सिर्फ भाजपा सरकार ने राज किया है जी, और उन्होंने तो इस तरह से लूटा है जैसे उनका करवा चौथ टूटा है जी, करवा चौथ का जैसे व्रत टूटता है ना उस तरह से उन लोगों ने लूटा है। उनको सिर्फ बिना स्टेशन वाली मेट्रो की ट्रेन दिख रही है, जहाँ स्टेशन कम्प्लीट नहीं है मेट्रो चलती है, सिर्फ चुनाव के पहले मेट्रो हमारी स्टार्ट हो गई है जी, उसके बाद में हमें ये नहीं दे, यानी आपका कहना ये है कि वास्तविकता कुछ और है और दिखाया जी 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 जी, क्योंकि क्योंकि आज हम मेरा शायद 15-16 वर्ष से स्वास्थ्य के मुद्दे पर नागपुर में वर्क है मेरा, नागपुर के मेडिकल को हम देखते हैं, नागपुर में आज इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी आज स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा अस्पताल है जो यहाँ की जनता को सेवा दे रहे हैं? सिर्फ IGMC और GMC ये मेडिकल कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस को अटैच ये हॉस्पिटल्स हैं, परंतु राज्य सरकार के द्वारा जिसको हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसा कोई अस्पताल नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति के नाम पर राजकरण किया जा रहा है? बिल्कुल, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो अभी आने वाले चुनाव में आप अपने उम्मीदवार को जीत के परचम में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे। आप चाह रहे हैं कि आपके जो माने सर है इन्हें एक बार उम्मीदवारी का मौका मिले, इन्हें उम्मीदवारी का मौका मिले संसद में, यहाँ की नागपुर की जनता की जो आवाज है, उनके संवैधानिक जो अधिकार है उसके लिए वो लड़े और लड़ने के लिए वो सक्षम उम्मीदवार है, क्योंकि वो एक संविधान के विशेषज्ञ हैं। और दूसरी बात, हमारी पार्टी ने जो समर्थन जो दिया है एक विदर्भ निर्माण महामंच का गठन हुआ है जिसमें 14 राजनीतिक संगठन और एक साथ आए हैं, और मुद्दा हमारा ये है कि भाई हमारा विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए, क्योंकि हमको छोटी छोटी बातों के लिए मुंबई जाना। हटकर एक क्वेश्चन सर आपके लिए, ये ऐसा कि यानी किसी पक्ष के ऊपर नहीं है, ये ऐसा कि आप कैसे उम्मीदवार को यानी किस कैटेगरी में एक उम्मीदवार को रखते हैं जो चुनकर आना चाहिए? वो ऐसा आना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो, जो राजनीति में सिर्फ इस बात के लिए आया है कि वो आम आदमी के परेशानियों को देखकर आम आदमी के परेशानियों के की आवाज, हाँ, अपनी परेशानी समझ के उस आवाज को वहाँ पे देश के सर्वोच्च सदन या संसद में उठाए, इस तरह का आदमी हम चाहते हैं। आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए धन्यवाद सर। MNS न्यूज़ लाइव में हम हमारा सफर यहाँ पे विराम करते हुए आगे की ओर रुख करेंगे। MNS न्यूज़ की आगे की खबर देखने के लिए MNS न्यूज़ लाइव देखते रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। हम नागपुर की हमारी चाय की चौपाल बेसा के हम के सारा मॉल के पास है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं चाय की चौपाल में, और ये लोग क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये बहुत बुजुर्ग इंसान है, सीनियर सिटीजन है, हम इनसे इनके पोल लेना चाहेंगे। मैं ये लोकसभा इलेक्शन के संबंध में इतना कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन हो रहा वो निष्पक्षपात होने चाहिए, और जो यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है
जो चुनाव में खड़े हैं उन्होंने वो जाहिरनामा करना चाहिए। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जाहिरनामा देते उसके मुताबिक कुछ भी करना नहीं। जनता की सुविधा के लिए ये आवश्यक है। इतना में तो आप क्या सोचते हैं ये जो विकास हो रहा है, ये विकास नितिन जी गडकरी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बोलना नहीं है। वो खड़े हैं, वो हमारे लिए बहुत आनंदमय बात है जी। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उन्होंने जो राजनामा प्रसिद्ध किया है उसके मुताबिक चलना चाहिए। आप वोट देंगे सर? जाए जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के अलावा एक सवाल पूछूंगी आपसे कि आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार? निष्पक्ष पार्टी उम्मीदवार चाहिए, स्वच्छ उम्मीदवार चाहिए, जिसके मन में कुछ खोट नहीं चाहिए जी। और जो आपस में जो उनका अलग अलग विचार विचार वो आप बुजुर्ग हैं सर, आपने यहाँ पे 30 साल की भी सरकार देखी है और 5 साल की भी सरकार देख रहे हैं, तो आपको क्या फर्क दिखा दोनों? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या फर्क है सर, बताएंगे कुछ? ये जो भाजपा सरकार जो है उन्होंने जितना काम किया है वो बाकी कोई पार्टी नहीं किया है। अरे आगे भी करेंगे, चुन के आएंगे ना और आगे तरक्की इंडिया की जरूर करेंगे। आपको बहुत जरूर करेंगे। नागपुर की है और देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर की है, वो दोनों ने मिलाकर नागपुर को बहुत सुधारा है जी। जी धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप एक रिक्शा चालक है तो आपको क्या असुविधाएं हुई, सुविधाएं हुई, या आपके लिए बहुत अच्छा विकास हो रहा है? जी हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस विकास को? जो भी है हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा। नागपुर लोकसभा क्षेत्र से नाना पटोले और नितिन गडकरी सर यहां से खड़े हैं, तो आप क्या देखते हैं दोनों उम्मीदवारों का, जो जो दोनों उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? ये तो नहीं बता सकते, आज नहीं बता सकते, ये आज नहीं बता पाएंगे। आप आपका मत क्या है? जो भी समय में वो अच्छा है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम अभी बेसा चौक से यहाँ मानेवाड़ा चौक आए हुए हैं। यहाँ पे बीएसपी कार्यकर्ता लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये अपने मत देना चाहते हैं और हम इनकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहते हैं, इसलिए हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्या सोचते हैं उम्मीदवार को लेकर हर पक्ष के नेता। तो हम यहाँ पे बीएसपी के यहाँ पे लोग यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनकी प्रतिक्रियाएँ लेते हैं। लोकसभा चुनाव को इस तरह देखते हैं हम कि अभी हमारा समीकरण बन गया है बहुजन समाज पार्टी का, मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते हमारा बहुत सारा समीकरण बन गया है, तो हम हमारे जीत की ओर हम सोचते हैं। और अभी जो सत्ता में है पक्ष, उसके बारे में क्या कहना है, क्या विकास के बारे में क्या कहना है, नागपुर का जो विकास हुआ उसके बारे में क्या कहना है? हम तो नागपुर का विकास तो जानते ही नहीं, ये कोई सीमेंट रोड और जो ट्रेन का ये दिया है मेट्रो का, ये बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। तो इसको नहीं, वो तो चलेंगे ना, वो तो होना तो, लेकिन उसका फ़ायदा तो उनको ही होगा ना, उनकी फोर व्हीलर रहती, ये रहता वो रहता, मेट्रो से जाना आना कौन करेगा, तो उनका फ़ायदा छोटे लोगों को नहीं है। दबे कुछ सोचने पक्ष है, अभी 3 पक्ष या 4 पक्ष जितने भी उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं हर पक्ष के, तो आप कैसा नेता चाहते हैं अपने लिए? देखिए नहीं नहीं पक्ष हाँ हाँ बराबर है, सामाजिक व्यू होता है एक जनता होने के नाते, तो आप किस तरह का नेता चाहते हैं? देखिए हमारा नेता जो है वो समता मूलक समाज चाहता है वो जी। हाँ तो समता मूलक समाज में क्या है, सभी लोगों को सभी समाज उसमें आ जाता है जी। और हम ऐसा नेता चाहते हैं जो समता मूलक समाज बनाने को होना चाहिए, बस समता मूलक समाज। किस तरह देखते हैं आने वाले चुनाव को? हम तो ये देखते हैं अभी फिलहाल में कि जो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है मोहम्मद जमानल भाई, तो वो चुन के आने के लिए हम, वो यंग भी है और नो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार भी नहीं है, इनके तो भ्रष्टाचार भी है। अभी गडकरी साहब ने इतना बड़ा काम किया है, आपका कहना ये है कि किसी नए उम्मीदवार को हाँ मौका देना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, सत्ताधारी समता मूलक समाज तो बनाना चाहिए ना। इन्होंने आज तक तो हमारे को पूरा निचोड़ लिया, पूरा भारत देश को खोखला बना दिया जी। हाँ तो अभी आपको एक प्रेरक समाज प्रेरक, हाँ प्रेरक कार्यकर्ता चाहिए।
हमने अभी यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। यहाँ के लोगों में एक उत्साह देखने को मिलता है बीएसपी के कार्यकर्ता उम्मीदवार को लेकर, और आगे का सफर हम एमएनएस न्यूज के साथ जारी रखेंगे। यहाँ पे हम अभी मानेवाड़ा चौक से सीधे फुटाला आए हुए हैं। यहाँ पे हमने चाय की चौपाल लगाई हुई है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर हम प्रतिक्रियाएं लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये एक अंकल है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं। हेलो हेलो सर, मैं मोदी को वोट देना चाहूंगा। जी, कोई एक स्पेशल रीजन सर? क्योंकि हमें विकास दिख रहा है जी, लोगों को भले दिखता ना हो लेकिन हमें विकास दिख रहा है, इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे। मैंने आपको ऐसा लगता है आने वाले 10 साल की हमारी जो पीढ़ी है 5 साल के लिए तो एटलीस्ट हम मोदी को ही वोट देंगे, आगे का हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम मोदी को ही वोट देंगे। थैंक यू सो मच। है चुनाव को लेकर एक्चुअली मैं तो कुछ इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पॉलिटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, पर एक आम जनता, एक आम जनता होने के कारण बस मैं ये तो बोलता हूँ, जो भी पार्टी आया है अच्छे से काम करे और देश का विकास करे। आप अपने दूसरे से वो ना रखे, भेदभाव ना रखे। जी जी जी, पार्टी भी आपकी पार्टी में आप भेदभाव कर रहे हैं, जो इतने नीचे आके झगड़े कर रहे हैं वो ना करे, जो भी करे देश की इज्जत करे और सम्मानजनक काम करे। थैंक यू सो मच। बोलिए, ये मोदी जी ने जो किया है ना, वो उसका रिजल्ट 5 सालों में नहीं दिखेगा, लेकिन जो विकास को एक टाइम लगता है, जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम 125 करोड़ हमें मौका देना पड़ेगा। हाँ, और वो जो है वो धीरे धीरे कोई भी प्लान आगे बढ़ते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल में उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आपका कहना ये है कि हमने 30 साल कांग्रेस को दिए, तो एटलीस्ट 20 साल हमने मोदी को देने चाहिए। 20 साल तो देने ही चाहिए। 20 साल में जो जो कांग्रेस नहीं कर पाई है 70 ईयर्स में, ये 20 साल में बहुत ज़्यादा देश को आगे ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी वाइज भी, और जो हमको ज़रूरत है इकोनॉमी भी है उसकी, देश की सिक्योरिटी का भी सवाल है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे आगे के जो हमारी आगे की पीढ़ी है वो अच्छे से देखेगी उसको, कि जो डिसीजन जो मेक किया है मोदी जी ने वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आंटी। क्या ओपिनियन रखते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे उम्मीदवार है गडकरी सर और पटोड़े सर, क्या कहना है? कहना यही है कि भाई पार्टी ना देखे, उम्मीदवार को देखे जो वर्क कर रहा है उस क्षेत्र में। जी, है ना, उम्मीदवार को देखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दे, ना कि पार्टी बाजी से किसी को वोट दे। नागपुर के विकास को देखकर क्या कहेंगे? हम तो एमपी से आए हैं। आप एमपी से आए हैं, वैसे नागपुर अच्छा डेवलप है, नागपुर अच्छा डेवलप हुआ है, तो मेट्रो का भी काम चल रहा है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग तो करूंगा। वोटिंग करेंगे तो किसे करेंगे, नाना पटेल, गडकरी, कमल? कमल, ओके, थैंक यू सो मच। क्या विचार क्या रखते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? बस मोदी जाना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बहुत सारी वजह है, एक बचाइए। जैसे कि डिफरेंट है, मुस्लिम में बहुत करते हैं वो, बहुत करते हैं वो जी। इसके अलावा? इसके अलावा जीडीपी भी, जी जीडीपी की डाउन हुई है, और बहुत सारी वजह है इसकी वजह से नहीं आना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नागपुर का विकास जो हुआ वो धर्म निरपेक्षता को लेकर हुआ है? क्योंकि देखिए, जब मेट्रो में ट्रैवल करेगा तो सिर्फ हिंदू नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदू नहीं करेगा, मुस्लिम सब करेगा, लेकिन जी और प्राइम मिनिस्टर के लिए उनकी लैंग्वेज बहुत मतलब कोई एक उनका वो बताइए, यानी उन्होंने ऐसा कोई स्टेज पे से कोई डेमो दिया हो, या उन्होंने लोगों को संबोधित किया हो और उनके ऐसे कोई वाक्य में प्रचार किया गया हो मुस्लिम बंधुओं के लिए? प्रचार किया? हाँ, ऐसा लगता है आपको? आपको ऐसा लगता है कि 3 तलाक का जो मुद्दा था, हाँ, वो गलत है? गलत है। क्यों? मतलब जिस हिसाब से लिया गया स्टेप वो गलत है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम स्त्रियों को सेबिलिटी चाहिए? जो कानून बनाए वो बेमतलब कानून है। क्यों ऐसा लगता है? आप 3 साल की सजा देने वाले हो और फिर तलाक भी नहीं होगा, फिर वो औरत का क्या होगा? पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर 3 तलाक ले लिया तो भी औरत नहीं? बिल्कुल, लेकिन आप जो सजा दे रहे हो वो गलत है। सजा दे रहे हैं वो गलत है, जो कानून जिस तरह से पास हुआ वो गलत है, वो गलत। ये सब स्टेप मोदी जी ने मतलब बहुत गंदे लिए। ओके, इसलिए आप उनके पक्ष में नहीं हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। लोकसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव इस बार अच्छा इलेक्शन है नागपुर का जी, और उम्मीद है कि नागपुर शहर के इसके अंदर जो सरकार, प्रेसिडेंट जो सरकार है, उन्होंने बहुत काम किए जी, और खासतौर से नितिन गडकरी जी जो है इन्होंने बहुत डेवलप किए हिंदुस्तान में, जितना उन्होंने काम किए और नागपुर को एक हिंदुस्तान के इसके अंदर स्थान दिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये चाहेंगे कि इस बार जी, और हमारा और तो उन्हीं को रहेगा जी, और
और उम्मीद है ऊपर वाले की कोई चुन के आए, ये हमारा उसका है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आने वाले लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? इस साल जो चुनाव होने वाले 2019 के, उसमें तो 100% मोदी के आने की चांसेस है, क्योंकि हमारे नागपुर में जो विकास हुआ है, जो नितिन गडकरी सर ने किया मेट्रो से लेके और हर जगह जो सड़क बन रही है, तो उसके हिसाब से तो देखा जाएगा तो मोदी इस बार आ सकता है। लेकिन मैं लेकिन मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वो जो प्रोग्रेस कर रही डेवलपमेंट है उसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयमेंट में भी अगर प्रोग्रेस हुए तो बेरोजगार हो गए हमारे नागपुर में या पूरे भारत भर में, तो अगर ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी वो हर डिपार्टमेंट में निकाले ताकि कोई बेरोजगार ना रहे, यानी उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें अगर डेवलपमेंट होगा तो हमारे यहाँ जो गरीबी है वो अच्छी खासी दूर हो जाएगी और जो महंगाई है उसमें भी थोड़ी कम करने को बोला। जी, हमने सर नागपुर में देखा कि बहुत से लोग विरोध में हैं मोदी के, इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों के आरोप है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो जुड़े मोदी जी वैसा है नहीं, कुछ होंगे तो, लेकिन कांग्रेस ने इतना किया जोरदार, मोदी जी ने भी नहीं किया और बहुत अच्छा करते हैं मोदी जी और आगे भी करते रहेंगे। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है मेरे ख्याल से, तो अगले 5 सालों के लिए आप मोदी को देखते हैं? 5 साल या 10 साल ज्यादा मोदी को देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। वोटिंग करेंगे ना मैडम? किस को करेंगे? मोदी सरकार को करेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। हम यहाँ पे गोकुलपेट में है, नागपुर के गोकुलपेट में हम यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, तो हम रुक करते हैं यहाँ के मतदाताओं की ओर और देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या बताएंगे उसके? कौन आएगा? अब ये नहीं बता सकते कौन आएगा, नहीं बताएंगे। वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है किसको चुन के देना है। जो हाँ बिल्कुल, मोदी सरकार के ही आधार है। नागपुर से तो नितिन जी गडकरी आना ही है। जी जी जी, धन्यवाद सर। क्या कह रहे हैं सर? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार ही आएगी जी। 11 तारीख को लोकसभा का चुनाव नहीं है जी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार क्या रखते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? वही, अभी हमको हमारा जो है अधिकार तो उसका यूज करना ही पड़ेगा, वोटिंग तो करनी ही पड़ेगी। कौन सी सरकार आएगी आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो अभी जो सरकार है वही अच्छी काम कर रही है। हाँ, वही अच्छा काम कर रही है, उसी को ही देंगे जी। और क्या बोलना है, जो उन्होंने बोला वही रहा है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। जिसकी सरकार है उसी सरकार चलने को होना, उसी की सरकार चलने को होना, तो वोट करेंगे 11 तारीख को। धन्यवाद। वोटिंग है तुम्हारा? हाँ। पहले बार वोट करने वाले हो? हाँ। किसे वोट करोगे? मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा। बीजेपी को वोट करोगे? हाँ। क्यों करोगे? क्योंकि अभी जब जितना मैंने देखा है उस हिसाब से बीजेपी के इसमें अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा डेवलपमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू मी। करेंगे ना? करेंगे। वो तो समय पे देखें। क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार है? सरकार जो भी आए अच्छी है, काम अच्छा हो, काम अच्छा हो, अच्छा हो और रोजगार मिले, अच्छा ही जो रोजगार निकाले। तो नितिन गडकरी या नाना पटेल? वो वोटिंग के ऊपर है। नहीं कुछ नहीं, क्या बोलूं, कुछ भी नहीं बोलूंगा। वोटिंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी लोकसभा चुनाव है नागपुर में, यहाँ के दो उम्मीदवार हैं गडकरी और नाना पटोले, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं एक उम्मीदवार से? Basically, we all are like for environment. Definitely, whoever cares about the animals and the environment, global warming is caused by animal husbandry. So our goal here is to educate people that stop consuming animal products, move towards plant-based lifestyle, so that we wouldn't have to face that consequences after 12 years. Life as we know it right now, our kids, what are we leaving for like our kids, which would be like growing up in that kind of nature where there would be no life left. We think that there is life, but there is nothing after 12 years. So I need someone to tell this to the crowd, make certain changes, provide the substitutes. For example, for milk, there are 6 types of plant-based milk like soy milk, almond milk, cashew milk, peanut milk. All these milks, if those are available in the market, cows wouldn't be raped for that. Animals wouldn't be murdered if we have a meat, like there are various brands which create meat which tastes exactly like animals, but it hasn't killed any animals. So if there is our government, any candidate who supports
this compassionate lifestyle, who like make people aware about this, we all would support that kind of a person. लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बोलेंगे सर? नितिन गडकरी ओनली मोदी। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।